Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Kushi. Good afternoon, Umda. मैं एकदम मस्त अनिकेत, हाउ यू? यस, गुड आफ्टरनून प्रगति। नहीं नहीं यार, आगे भी सही रहेगा सब। प्रिकॉशंस तो लेके चलना है, ठीक है? प्रिकॉशंस वैसे ले सभी लोग रहे हैं, दैट्स वन थिंग, बट स्टिल थोड़ा पॉजिटिव भी रहना है। थोड़ा पॉजिटिव एज इन थॉट्स पॉजिटिव, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं, ठीक है? और बस बाकी ध्यान रखना है। ओ व्हाट, तुम्हारी फ्रेंड का? तो ये कोविड की वजह से था, मतलब ये वो टेस्ट टेस्ट पॉजिटिव? यस, गुड आफ्टरनून संदीप। ओह गॉड, ओके। आई थिंक सर प्रेटी सीरियस, ये तो पता चल रहा है बिल्कुल। और जब चीजें इस बार ऐसा है ना कि चीजें हमारे पास में हो रही है, मैं सब जान पहचान में हो रही है, तब पता चल रहा है कि चीजें मतलब थिंग्स आर प्रीटी सीरियस आउट देयर। कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये है हाँ बिल्कुल, अपने साथ होता है, आसपास होता है, जहाँ जिनसे हम रिलेटेड होते हैं या कैसे भी पता हो तब पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वरना तो दूर दुनिया भर की चीजें हैं, इतना कुछ समझ नहीं आता कि कितना सीरियस है ये मैटर। जब होता है उसका सब बिल्कुल पता चलता है, काफी कुछ सीरियस है। और थिंक इज मोस्टली इट्स फीलिंग ऑन फेयर। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फीलिंग ऑफ फियर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये नॉर्मली बोलते हैं ना, व्हेनेवर वी गेट फ्राइटेंड, उस टाइम पे भी नॉर्मली सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई एकदम से कुछ शॉकिंग न्यूज हो तो उस टाइम पे थोड़ा वी फील दैट कि हम सही से ब्रीथ ही कर पा रहे हैं। और इसके साथ ये तो रिलेटेड ही इसी से है। और प्लस हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो यहाँ एक्चुअली पीपल आर स्टूपिड ना, यहाँ पे तो भी क्या ही बोला जैसा है। इसलिए ऐसा है कि सबको अपना ध्यान खुद रखने वाला टाइम है। नो अथॉरिटी, कोई बाहर बॉडी ऐसी नहीं है जो देख रही, ध्यान दे रही है किस चीज पे। ये है बात। स्ट्रेस हार्मोन, ओके, उसकी वजह से इट लीड्स टू दिस कंडीशन, करेक्ट? आईपीएल जरूरी है सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही, आईपीएल जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि जो लोग घर में है वही उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और रीजंस दे गेम, रीजंस भी इसी तरीके का होता है उनका। ये है कभी ऐसा है कि यू कैन, कभी कॉमन सेंस की कोई बात ही नहीं है आसपास भी उन लोगों के, तो फिर उनसे फिर बहस बात कुछ कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए ठीक है, जो भी बोलो सही है, चलो हाँ ठीक है, ऐसा है तो यू कांट जस्ट टॉक टू देम, यू कांट एक्सपेक्ट एम्पैथी, ना ही कोई भी किस तरीके कॉमन सेंस, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते रिटर्न में। ये है तो सब बेवकूफी है। हाँ एग्जैक्टली, वही तो। वो अपनी सरदाना की, रोहित सरदाना की, यस, वो अभी भी हुआ है तो उसके बाद ऐसा हुआ। संदीप करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस,
बिल्कुल काफी शॉकिंग था, बिल्कुल जोर से बिंदास तो देख रहे थे सब लोग, ऐसी वाली चीज है, बिल्कुल सही बात है। चलो ज्यादा न्यूज देखना बंद नहीं कर सकते, बट स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, दिमाग को थोड़ा सही रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी सिचुएशन जैसी है उससे ज्यादा सीरियस होने लगती है अगर हम बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेस फील करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। जैसे भी सही मूड को लाइट रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जरूरी भी है, उसी टाइम सबसे मुश्किल होता है इस चीजों को लाइटली पाना, बट करना पड़ेगा, ऐसा है बस। उसके बाद दुनिया भर के जो केसेस हॉस्पिटल्स और ऐसे के जो पिक्चर्स और न्यूज वो सुनने को मिलती है, वो और ज्यादा लाइक ज्यादा अलग लेवल पे परेशान कर देती है। एंड वन मोर थिंग, अभी स्टार्ट करते हैं, एक होता है कि वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब एम्पैथी गायब हो गई सबकी, इवन कॉमन पीपल जो 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 लोग बाकी चीजें हॉस्पिटल के स्टाफ और ड्राइवर्स ये सब देखा होगा कितना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं हर एक छोटी सी चीज के लिए, तो वो इस किसी का अगर कुछ भी नहीं बचा है, बस सब चल रहा है कैसे भी, तो वो भी काफी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा बेकार चीज लगती है। सबसे ज्यादा मेरे को वहां से परेशानी होती है। टाइम तो मुश्किल ऑफकोर्स है ही हर एक इंसान के लिए, हाँ वही 25,000 फॉर एन एम्बुलेंस, यस उसी तरीके की चीज है बिल्कुल, तो वो है कि टाइम तो मुश्किल चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी पूरा और इंसान को परेशान कर दो, ये है। अरे बेड अवेलेबल नहीं है इसका, तो ये थोड़ी कि 1 लाख के लिए लोग बेड का बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ब्लैक मार्केट बात ना की जाए तो भी अच्छा है, बिल्कुल। चलो खैर डुप्लीकेट सेल हो रहा है और काफी ज्यादा लोग उसके इंजेक्शन की जगह कुछ और लगा दिया, ऐसा भी बहुत ज्यादा सुना है, तो भी ठीक है, सारे खेल तो चल ही रहे, नोबडी डैम अबाउट एनीथिंग, ऐसा है तो इट्स फाइन, देखते हैं। चलो तो फिर हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने आई गेस ये वाले क्वेश्चंस किए थे ना, क्वेश्चन हियर इज अ क्वेश्चन, उसके बाद एरर्स वाले किए थे हम लोग सेंटेंस में, वी हैड गॉट द एरर्स, तो भी आगे बढ़ते एक काम और करते हैं, वी कैन डू दीस क्वेश्चंस एज वेल, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेर यू हैव टू लाइक इसे बोलते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन, जूम वेट, तो जैसे इसमें क्या होता था, यू हैव कंप्लीट द पैराग्राफ, यानी कि ये 5 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, 5 में 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, एंड इसमें से आपको सिलेक्ट करने में क्या आ सकता है, तो ये है, वी कैन डू दिस एक बार पढ़ते हैं इसे, इसके बाद वी कैन स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, बट यू हैव टू फिल इन द सेंटेंस हियर, सेंटेंस कंप्लीशन काइंड ऑफ थिंग। ओके बाकी लोग ट्राई करिए, सनका IIT, ओके
यस पॉसिबिलिटी वुड बी थॉटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू मेक न्यू कार एंड टू व्हीलर ओनर्स परचेज इंश्योरेंस कवर्स एंड द डैश उसके डी यस तो यस इसमें करना क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने जैसे ये पूरा सेंटेंस है, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, और इसके बाद आपको करना है पैराग्राफ को रीड करना है। ये ब्लैंक जो दे रखा है, इसमें से ये चार जो सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से कोई एक सेंटेंस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा यहाँ पे आ सकता है इन सारे चारों सेंटेंस में से। अगर कोई आ सकता है तो आप उसे यहाँ पे फिल करोगे, अगर नहीं आ सकता तो वील गो फॉर ई। तो ए बी सी डी और ई चलो फिर से पढ़ के देख लो सारे ऑप्शंस एंड एक बार सेंटेंस। यस ठीक है ना, विल गो विद डी। ठीक है तो इसमें क्या है, द न्यू पॉसिबिलिटी वुड बी थॉटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू मेक न्यू कार एंड नीड एंड टू व्हीलर ओनर्स परचेज इंश्योरेंस कवर्स फॉर एटलीस्ट 3 years एंड 5 years रेस्पेक्टिवली, यानी 3 years फॉर कार एंड 5 years फॉर टू व्हीलर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म ऑफ 1 year एंड द इंश्योरेंस रेगुलेटर्स फेयर टू जनरलाइज इंश्योरेंस टू सेल लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी मोटर कवर इंश्योरेंस इंश्योरेंस कवर्स फॉर न्यू कार्स एंड न्यू एंड टू व्हीलर्स फ्रॉम सेप्टेम्बर 1। मतलब ऐसा नहीं कि टुगेदर दे आर वर्किंग के भी आगे जो उन्हें इंश्योरेंस कवर देने वो लंबे ड्यूरेशन के लिए दिए जाए। संदीप ये था रियलिटी वाला कि एक्चुअल रियलिटी हो रही है? यस सर हो रही नहीं हो गई है सर, इसके वजह से 5,000 खास करके टू व्हीलर्स पे 5,000 बढ़ गए थे 3-4 साल पहले से बढ़े हुए। ओके सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। रिसेंटली द नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कंडक्टेड द फर्स्ट एवर नेशनल वाइड सर्वे। ये कैसे, ये कैसे, तो कैसे भी कंटेंट नहीं आ रहा ना साथ में।
सी हो सकता है, ए वाला वो सेंटेंस कंटिन्यूटी में नहीं बैठ रहा है, सी वाला एक बार के लिए वो मीनिंग सेम हो जाएगा फर्स्ट और सी वाला. ट्रांसजेंडर पर्सन इधर मैं नहीं यार, ये सी तो बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहे हैं. देखो ना, अभी हम डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं, तो पता है ना ट्रांसजेंडर कमेटी के बारे में, और ट्रांसजेंडर कमेटी के रिलेटेड बात चल रही है, एंड अभी डिफाइन थोड़ी करना है यहां पे. इज डिफाइंड एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज दिस और दिस. ये देखो, वर्स स्ट्रक्चरली ऑस्ट्रसाइज्ड एंड डिनाइड द फंडामेंटल राइट टू अ लाइवलीहुड, इससे रिलेटेड बात कहाँ की गई है? पी वाले में की गई है. बिल्कुल पढ़ के देखो पी के साथ में क्या हुआ है कि एनएचआरसी कंडक्टेड द फर्स्ट एवर नेशन वाइड सर्वे ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इंडिया एंड फाउंड दैट, तब उन्हें पता चला कि 92% ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी आर सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक एक्सक्लूजन. ठीक है, मतलब अभी दे आर नॉट, हाँ वी डोंट एक्सेप्ट ट्रांसजेंडर ड्यू टू अब्सर्ड थिंकिंग, हम जॉब के लिए अभी कर रहे हैं और उस तरीके की एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे, मतलब 8% लोग हैं जो किसी भी तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं ऐसा एज इन जॉब और ये सब कुछ में, ठीक है, 92% दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी. ठीक है, तो उसके बाद चलिए प्रणति, ऑप्शन नहीं दिख रहे, बाकी लोगों को दिख रहे ऑप्शन? आप 98 की बात करोगे क्या? अभी 97 ही बोल रही हूँ मैं. अच्छा, तो आप एक बार रिफ्रेश करो बिकॉज बाकी लोग देख पा रहे हैं. ओके सर. या ठीक है, समझ आ गया. तो ये है क्योंकि आप और सेंटेंस में जब भी इस तरीके का हो, रीड इट टिल द एंड, फिर देखो किस किस चीज के रिलेटेड बात चल रही है. ठीक है, तो हमें क्या सब पूछा होगा, बी भी आ जाएगा इसमें. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रीति, हो गया आपका 7th क्लियर है? हाँ सर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसका एक ऑप्शन नीचे है. ओके, लास्ट में नन ऑफ दीज है तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, इसमें जैसे अगर हम देखें तो कौन सा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बी बिल्कुल भी लग रहा, सीम्स टू बी इन डिनायल. अभी हम बैकलॉग के लिए तो बोल ही नहीं है, बैकलॉग की बात की जा रही है इसमें. ठीक है, यस, बाकी साइंटिस्ट पढ़ने के बाद विल गो विद ए. ठीक है, अब बैकलॉग वो 2.24 मिलियन posts in the public sector as reported by the media recently has escalated the contention surrounding the National Demographic Alliance government's claim on job creation. So it has escalated the contention, matlab jo bhi problem thi us cheez ko aur zyada bada diya hai surrounding the National Democratic Alliance government's claim on job creation. Wo jo claim kar rahe the ki unhone job create kara hai, us cheez ki problems ko aur zyada bada diya hai jo usse related thi. Theek hai, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट वन.
अगर हम ध्यान से पढ़े तो आंसर बहुत ऐसा ना जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा वो आपको तुरंत ही दिख जाता है फिर ऐसा होता है। चलिए 99 सी सबका सी आ रहा है ना। Emerging market economies continue to be in the spotlight for the wrong reason. And what were the wrong reasons? These were the wrong reasons. As their currencies, or there bola gaya in jo emerging market economies hain unke liye, as their currencies resume their prolonged slide against the US dollar. And iske usse wo log kya kar rahe the? Niche girta ja raha hai, aisa bole na unki currency. The Indian rupee weakened past the 71 mark for the first time ever on Friday. And resting a loss of 10% in और बाकी सारे options पे we'll go with this one. ये एकदम सही तरीके से connect कर रहा है, सब लोग connect कर पाए बाकी लोग? संदीप हुआ clear? Okay. ठीक है चलिए we'll move on to the next one. सर इसका बी लग रहा है, इसका बी लग रहा है तो देखते हैं इसका बी ही होना चाहिए फिर। यस करेक्ट प्रणति विल गो विद बी। Kerala's unique topography of coastal plains and rolling hills between the Arabian Sea and Western Ghats is vulnerable to several natural hazards. और इसके आगे हमने वो several natural hazards बता दिए, कौन से हैं? Correct. बाकी ऑप्शन डिफरेंट रीजंस हैं, बाकी ऑप्शंस इतना इजीली उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ट्रांजिशन सही नहीं आ रहा किसी के साथ भी। हाँ ये सबको ब्रेक कर लिया। और जैसे डी ऑप्शन है, मतलब हम फ्लड्स बोलने के बाद दोबारा फ्लडिंग वहां पे क्यों लिखेंगे, वो वाली सारी चीजें ना। तो यस दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्या वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आई हैव एन एक्सरसाइज ऑन लाइक दिस इज अ मिसलीज एरर एक्सरसाइज, इफ यू वांट टू डू वी कैन डू इट अभी और वी कैन डू इट आफ्टर प्रीपोजिशंस, लेकिन अगर चाहते हैं उससे कर सकते हैं भी। कैन हैव अ लुक तो मिसलिनियस एरर्स करना चाहोगे? करते हैं।
चलिए तो फिर करते हैं। यस आई विल जूम इन। हाँ बी क्या लग रहा है प्रति बी में चाइना फॉर इट्स पास फॉर इट्स पार्ट एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस ऑन आई मीन सी ओके सी में क्या पे सेट इट नॉट सो डायरेक्टली सिट आइडल नहीं नहीं वुड लिखा है ना हम लोगों ने इट वुड नॉट सिट आइडल ठीक है तो सिट आइडल का मैं एडवर्ब जैसे यूज किया हमने आइडली आइडली यूज किया जाता है ठीक है तो इन एन आइडल मैनर मीन आइडली तो इट इज एन एडवर्ब व्हिच कैन बी यूज्ड ठीक है वो ये ठीक है एंड यस खुशी ये में क्या हो जाएगा हम लोग कॉन्फिडेंस के क्या साथ ये यूज करते हैं ना चाइना फॉर इट्स पार्ट एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन ठीक है दे हैव एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन समथिंग होगा ना कि ऑन समथिंग राइट तो ऑन विल बी रिप्लेस विद इन चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट वन द पीएम नहीं नहीं नाम के साथ जैसे यूज करें फ्रॉम द पीएम ऑफ समवेयर ऐसे करके बोलते हैं तब हम लगाते हैं जब डायरेक्ट नाम बोल रहे होते हैं तो हम ऐसे ही बोल देते हैं मिस्टर Ranawake is among the few Sri Lankan politicians to refer to or comment on the Kashmir development following. Sahi lag raha hai yaar bilkul sahi hai na Mr. Ranawake is among the few Sri Lankan politicians to refer to or comment on EDUC ke Kashmir development following Prime Minister this. ठीक है जब आप नाम के following the Prime Minister of somewhere तब हम the लगाते हैं और direct आप नाम के साथ बोलो following Prime Minister नाम के साथ use कर रहे हो तो नहीं रखेंगे हम लोग तो ये सही है फिर चलिए लेट्स लुक एट थर्ड वन
लीजिए काफी। यस क्या हो जाएगा थर्ड में? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स यस है ना। द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है ना। वन ऑफ द के साथ वी यूज इट एज प्लूरल, जो भी नाउन आता है वन ऑफ द के साथ में वो हमेशा प्लूरल आता है, तो एम्प्लॉयर से जाएगा। करेक्ट। डी यस डी करेक्ट। क्या करना चाहिए डी में? हैज पिक्ड अप। हैज पिक्ड अप यस। द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स मे बी नेगलिजिबल बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, किसकी बात चल रही? रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपकमिंग क्लास 10 एंड 12 एग्जामिनेशन हैज पिक्ड अप। तो रजिस्ट्रेशन सिंगुलर होगा, उसके लिए वी यूज। बिल्कुल सही। ओके क्लियर है अनिकेत? ओके फॉर द अपकमिंग क्लास, फॉर अपकमिंग क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। नहीं एक्चुअली एग्जामिनेशन तक बोला गया ना, फॉर अपकमिंग क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन, तो ऐसे भी चल सकता है। फॉर द अपकमिंग क्लास दर भी लगा सकते हैं ऐसे, फॉर द अपकमिंग क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। But the registration of students for upcoming class, no, it's fine. हमने the registration something something define किया है वहाँ पे, तो चल जाएगा ऐसे ही हमने किया। The functioning of government offices, business centers, and markets remained dismal, even if a few indicators showed signs of normal. डी लग रहा है मुझे भी। डी में क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी। यस बिल्कुल सही, नॉर्मल सी है ना। क्योंकि साइंस ऑफ नॉर्मल व्हाट? नॉर्मल समथिंग। नॉर्मल को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, कि नॉर्मल समथिंग, लेकिन हमें नाउन की तरह बोलना है कि साइंस ऑफ नॉबल सी। तो यस खुशी एंड प्रति नॉबल सी हो जाएगा और टीन एरर होता हमारी है। ठीक है ठीक है। मुझे सी में इवनिंग लग रहा था। कि इफ की जगह वी कैन यूज समथिंग एल्स इवन आफ्टर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, वो जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा हुआ तब भी ऐसा हो गया, तो इवन आफ्टर अगर आप किसी इवन आफ्टर भी यूज कर सकते हो जब एक किसी एक सिचुएशन के लिए बताओगे। और ऐसा होता है कि अगर ऐसा हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी इस तरीके का हुआ, तो हम इवन इफ भी यूज कर लेते हैं।
ठीक है, इवन इफ अगर ऐसा हुआ तो भी कोई इवन इफ अ फ्यू इंडिकेटर्स शोड साइंस ऑफ नॉर्मलसी, कि कुछ इंडिकेटर्स ने ऐसा किया तब भी कोई मार्केट डिसमल ही रहा, ठीक है, ये है। चलिए सिक्स्थ, emerging from the yes सबको ये लग रहा है ना, डी वाले में ये होगा, इमर्जिंग फ्रॉम द डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यस इमर्जिंग फ्रॉम, करेक्ट। सेवन, टू मेन पार्टीज फ्रॉम द हिंदू एंड रिटन टू द सुप्रीम कोर्ट पैनल फॉर सेटलमेंट। देखो हाँ बिल्कुल सिम, दो तरीके से हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, आपने क्या बोला, हैड और हैव, हैड रिटन टू द सुप्रीम कोर्ट। ब्रदर जी देखो, हम लोग हैड रिटन तभी यूज करते हैं जब पास्ट में एक और हमने कोई सिचुएशन दे रखी हो, सिंपल पास्ट में कुछ हमने दिया हो एक रेफरेंस के लिए, उसके साथ में हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड, ठीक है। यहाँ पे लोग या तो हैव रिटन लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है ऐसा बोलने के लिए, या फिर हम लोग रोट लिख सकते हैं सिंपल लिखा था, ठीक है ना, तो या तो सिंपल पास्ट रख लेते हैं और या फिर हम रोड कर लेते हैं, दोनों ठीक है। तो मेन पार्टीज फ्रॉम द हिंदू एंड मुस्लिम साइड्स हैव रिटन टू द, ये भी ठीक है, और रोड टू द सुप्रीम कोर्ट पैनल फॉर सेटलमेंट, ये भी ठीक है, ठीक है संदीप, तो रोड भी सही हो जाएगा और हैव रिटन भी ठीक है। The 21-seater buses will provide connection to lakhs of commuters across the island city and the suburbs. Error hai. सी भी लग रहे हम तो कि क्या होना चाहिए, यस बी, बी में क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी, यस ना। देखो 21 सीटर बसेस विल प्रोवाइड कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब क्या है, कौन इंटरनेट कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कनेक्शन यूज नहीं करते ना हम लोग, जब भी बात करते हैं किसी भी शहर में अगर हम सही से यू नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, कहीं से आप कहीं पे ट्रेवल कर सकते हो आराम से, इसका मतलब कनेक्टिविटी अच्छी हो सकेगी, तो यूज द वर्ड कनेक्टिविटी नॉट कनेक्शन, वो कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ये बसेस, क्लियर है ना ये चीज, तो कनेक्टिविटी टू लैक्स ऑफ कम्यूटर्स अक्रॉस द आइलैंड सिटी एंड द सबर्ब्स, ठीक है, ममता इसमें क्या अक्रॉस वाले वर्ड में लग रहा था दिक्कत है, क्या था अक्रॉस द आइलैंड, अक्रॉस द आइलैंड सिटी का तो मतलब वही लगेगा ना कि पूरे सिटी के अक्रॉस पूरे शहर में ही, अच्छा यू नॉट बिटवीन, ओके ओके, कनेक्शन बिटवीन समथिंग वो हो सकता था, बिल्कुल अगर दो की बात कर रहे हैं तो बिटवीन भी हो जाता वहां पे, बिटवीन आइलैंड एंड दिस थिंग अक्रॉस की जगह, ठीक है चलिए।
ओमेगा से कनेक्शन होता ना, कनेक्शन अगर किसी चीज से रिलेटेड होता तो वहां बिटवीन आ सकता था, कनेक्शन में वो एक ट्रेवल करने वाली चीज थी इसलिए वो आया। चलिए नाइन्थ, यस, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव संडे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड कंसर्न सिटीजंस वेंट ऑन अ प्रोटेस्ट फॉर द कटिंग ऑफ ट्रीज इन आरए। तो फॉर नहीं, उसके अगेंस्ट में जाएंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या जाएगा अगेंस्ट। यस संकेत, अरे इज नाइस दिस संदीप, मैंने बस टीवी पे देखा है अभी तक अरे को, ठीक है, और उस टाइम जो प्रोटेस्ट एक्चुअल में चल रहा था तो उस टाइम भी काफी देखा था, लेकिन इट शुड, मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए मुंबई जैसी जगह में तो होनी चाहिए। यस, मेरे यहाँ से तो 1 आवर का ड्राइव है नॉर्मल बाइक या कार से ऐसा, बट द प्लेस इज मैन ब्यूटीफुल, ऐसा पूरा रोड है एंड आजू बाजू पूरे पेड़ पौधे बड़े 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 जंगल टाइप है, बट इज कूल एंड शांति, अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। नाइस, तो इसीलिए पूरा ऐसा था कि इसे तो बचाया जाए, बाकी सब तो खराब हो गया। मेन मेन सर फॉरेस्ट अभी मुंबई में बहुत कम बचे हैं ना, हाँ अरे बिल्कुल थोड़े यही मुंबई मेरा के बाहर प्लान जाएंगे था। हाँ तो तो उधर एक मेरे घर रिलायंस पुणे का एक की, पार्क है सर, अच्छा रिलायंस का एक जियो पार्क है, मीन्स वहां हाँ पे मैं इवेंट के लिए गया था, तो धीरे 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 ना वो सब माउंटेन काट काट के ना अपना जियो का वो धीरे धीरे सब कुछ बनाते जा रहे हैं वहां, बने और वहां से कुछ बोल, कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, इतना बड़ा प्लेस है सर जियो का, इतना बड़ा प्लेस है जियो का, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और पहाड़ काट काट के अपना सब लेते जा रहे हैं ऐसा। मतलब अपने यूज में आ जाए, बस वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाए अच्छे से, ऐसा चाहिए। यस, ओनली कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे एकदम अच्छे से, इज ब्यूटीफुल सर, वो बहुत फॉरेस्ट एरिया बहुत प्रिजर्व करने लायक है वो। चलो फिर तो कोई टाइम लगेगा, फिर अरे भी जाएंगे मुंबई आने का होगा तो। चलो नेक्स्ट 10th, मुंबई आया था करीब 2000 और 10 में आया था शायद, मैं गया था एक बार। 11 years back. या लेट मी गो बैक, तभी तो मैंने सर देखा भी नहीं था अच्छे से, 13 years of age. उस टाइम स्कूल में था तब गैलरी घूमने के लिए, बात यह है। सर आपको घूमने के लिए मुंबई घुमा रहे थे स्कूल वाले? अरे नहीं, मैं किसी के साथ में गया था सर, मेरे कजिन के साथ में वो लोग जा रहे थे, इनका मैं भी जाऊंगा, फिर ऐसा था। दिस करेक्ट, यहाँ पे ऑन अलीव आ जाएगा, शी वेंट इन अलीव, नहीं ऑन अलीव, तो एक्चुअली आई वाज ऑन अलीव एट दैट टाइम स्कूल से, तो फिर चलो चलते हैं वो था। एज एन एडवोकेट ऑफ मल्टीपोलर एशिया इंडिया, ठीक है, एज एन एडवोकेट ऑफ मल्टीपोलर एशिया इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले बॉल विद चाइनाज इंपीरियल डिजाइन। यह मैं बता देता हूँ, दिस इज एन इडियम, सुना है? एक्चुअल में होता है
प्ले बॉल नहीं, प्ले बॉल का मतलब है टू कोऑपरेट, कोऑपरेट करना और सामने वाला जो भी कर रहा है उसके साथ में अग्री करना, उसके लिए बोलते हैं इंडिया कैन नॉट, मतलब इजी अग्री करना उसके लिए बोलते हैं प्ले बॉल। ठीक है, तो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले बॉल विद चाइनाज इंपीरियल डिजाइंस, कोऑपरेट यूज करते हैं। ठीक है, तो प्ले बॉल से होता है, प्ले बॉल होता है इस तरीके से लिख लो। नेक्स्ट, दिस कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स फाइनली कल्मिनेटेड इन द क्रिएशन ऑफ द जाइगेंटिक माउंटेन दो रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज रेवेंज टू द ग्राउंड। कैटेगरिस्टिक मींस कैटेस्ट्रोफी से लिया जाता है, तो इसका मतलब डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग वाले सेंस में लेते हैं। ठीक है, दीज कैटेगरिस्टिक इवेंट्स फाइनली कल्मिनेटेड डिजीजेस। यस, कल्मिनेटेड इन द क्रिएशन ऑफ द जाइंटिक माउंटेन दो द कंट्री वाज रेवेज टू द ग्राउंड। देयर इज नो अदर एक्चुअली करेक्ट, किसी को ये लग रहा था कुछ कि ये नहीं आना चाहिए या फिर पोजीशन ये यूज गलत है या अलग पार्ट समझ में नहीं आया या दोहरे लगाने से अच्छा मुझसे छोड़ना पसंद करेंगे, ऐसा कुछ, ऐसा भी होता है। अच्छा, नोएरे लग रहा था ना, हाँ तो नोएरे ही था, क्योंकि ऐसे जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं पता चलता रहता है कि सेंटेंस में एरर सच में है या नहीं है, वैसा होता है। सर इसमें डी होगा, ब्रूड ओवर फेलियर्स। Brood over failures, yes, Pranati, correct. While speaking to the students, speaker advised them not to brood over failures. ठीक है, क्या मतलब होता है brood का? Brood over failures? कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट एंड गेट इनटू दैट Yes. डिप्रेसिंग जोन। It's a very zone, yes. बिल्कुल सही। ठीक है, डोंट ब्रूड, यानी कि किसी भी डिप्रेसिंग चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहना, इट्स कॉल्ड ब्रूड। ठीक है, ब्रूड ओवर समथिंग, मतलब ब्रूड ओवर समथिंग इस तरीके से भी यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है। चलिए नाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। व्हाइल एग्जामिनिंग द पेशेंट द ईएनटी स्पेशलिस्ट नोटिस दैट हिज पेशेंट्स पैलेट वाज अनयूजुअली बेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द माउथ। पैलेट क्या होता है? पैलेट ये कलर पैलेट होता है। आई विल गिव यू फॉर दिस वन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं जब भी, क्योंकि अगले क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा व्हाट दे विल डू, ये डायरेक्टली पूछा गया, अगर ये इसमें बैंकिंग में आते भी ना। हाँ वो तो हो गया यार, नो शॉर्ट स्पेशलिस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, पैलेट एक्चुअली बोलते हैं जो वो देखा है ना, अपने पेंट करते समय वो प्लेट, इसमें हम लोग कलर मिक्स करते हैं, दैट वुडन काइंड ऑफ थिंग, जो हमारी कलर प्लेट होती थी पहले, उसको ट्रे कलर ट्रे बोलते थे या कलर पैलेट बोलते थे, उसको बोला जाता है पैलेट। ठीक है, तो कलर पैलेट वो हो गया। एक्चुअली जो पेशेंट पैलेट, पैलेट एक्चुअली क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड पैलेट, उसकी स्पेलिंग होती है PALATE। ठीक है, ये होता है, वो स्पेलिंग ये नहीं होती, इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आता भी है इन केस, क्योंकि हमें इसके एग्जाम स्पेलिंग पता हो या ना पता हो, हमें स्पेलिंग पता होती है। ठीक है, कलर पैलेट की, तो उसमें एग्जाम में कई बार ये पूछते हैं बैंकिंग वाले, बैंकिंग में अगर IBPS में, तो अंडरलाइन करते हैं 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स,
ठीक है, तो मैं बताना होता है कौन से वाले मतलब चार वर्ड्स में से कौन से का यूज गलत है। अगर ऐसा कोई आएगा ना जिसमें स्पेलिंग की एरर होगी ऐसा कुछ, तो मोस्टली ऐसा पूछा जाता है। और तो हमें ध्यान तो देना ही होता है हर एक वर्ड पे भी, बट मोस्टली ऐसे पूछना शुरू किया था उन्होंने कुछ टाइम से, दो तीन साल से तरीके को पता। यार इसी का बना होगा पैलेटेबल, बिल्कुल सही कह रहे हो, समथिंग दैट कुड बी इसी का बना होगा पैलेटेबल, सब कुछ रिलेटेड इस तरीके से होगा। जैसे सुनता है सही बना होगा पैलेटेबल, करेक्ट, ठीक है। तो उसमें एरर यही वाला था, बाकी तो उसमें कुछ एरर नहीं, बाकी ठीक है एकदम। So amidst economic slowdown, it is clear that some employees might be laid off by the company this month. क्या लग रहा है 15th में? नहीं, अब अगर आप इसमें साथ में यूज कर रहे हो इकोनॉमिक स्लो डाउन, द इकोनॉमिक स्लो डाउन हम जो यूज करते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑफ सम प्लेस, कहीं का बता रहे होते ऐसे रिलेट करके, इसमें जरूरत नॉट रिक्वायर्ड, डेफिनेट आर्टिकल बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अमेस्ट इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी इसके बीच में इट इज क्लियर दैट सम एम्प्लॉयज माइट बी लेड ऑफ बाय द कंपनी दिस मंथ, यस देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। ओके Yes. So there is no error. Okay. जब भी ऐसी चीजों में हम लोग दा लगाते हैं तो उसे रिलेट करते हुए लगाएंगे, अगर हम जैसे बिटवीन में लगाएंगे ना, बिटवीन है, बिटवीन समथिंग दिस दिस, तो भी कहाँ का है अगर ऐसा कुछ बता रहे हैं तो वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है सेंटेंस पे कि हमें कुछ एरर नहीं दिख रहा होता, तब भी दिमाग एक बार को बोलता है कि यहाँ पे वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल, होता है आई नो दिस। ठीक है, एक और करते हैं 16। रेशियल टेंशन एंड राइवलरीज बिटवीन कम्युनिटीज बाय डिग्री, रेशियल टेंशन एंड राइवलरीज बिटवीन कम्युनिटीज बाय डिग्री फेड आउट एज नॉलेज एंड अवेयरनेस seep into people's consciousness. Many articles write this way. Yeah, very good. Say, बहुत सारे इसमें तो economics से start करते हैं ना, इसीलिए करो दिमाग में सुन रखा होता है ना, बार बार repeat करता रहता है कि अच्छा यहाँ पर ये try करके देख लेते हैं, maybe ये हो। 16 वाला I'll tell you. By degree नहीं होता, by degree, this is a phrase. By degree इसका मतलब होता है ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, है ना, धीरे धीरे। तो रेशियल टेंशन एंड राइवलरीज बिटवीन कम्युनिटीज ग्रेजुअली फेड आउट एज नॉलेज एंड अवेयरनेस सीप इनटू पीपल्स कॉन्शियसनेस, तो जैसे जैसे ज्ञान और अवेयरनेस लोगों के दिमागों में आता गए, उनके कॉन्शियसनेस पीपल के कॉन्शियसनेस में लोगों के, वैसे वैसे जो रेशियल टेंशन और राइवलरीज थी वो खत्म होती है। 16th मेरी क्वालिफिकेशंस, आई हैव डन बीटेक एंड आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश, मतलब आप बीटेक के बाद मास्टर्स इन इंग्लिश, ऐसा सर बीटेक इज इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश या
कुछ आगे का करने के लिए other than economics and accounts. So I thought English might be a good option. Yeah, it could be a good option. Okay, if you have something in like you can plan it also. Yes, sir. Everyone needs a plan B. तो सोच रहा था सर क्या अगर टीचिंग में मतलब इंटरेस्ट था मुझे वैसे भी हाँ सो आई कुड आई मीन इंग्लिश कुड बी अ गुड ऑप्शन बिल्कुल किया जा सकता है और अच्छे से किया सकता है प्रगति व्हाट इज वो इज योर मास्टर्स इज वो सर क्या मतलब उसके बाद में आफ्टर इंजीनियरिंग मास्टर्स ये वो बोल रहे हैं सर बीटेक करके आप इंग्लिश में मास्टर्स किए अगर बीटेक में मास्टर्स करते हैं देन प्लूटस से भी ज्यादा पैकेज मिलता है पता नहीं बस में इंटरेस्ट था वो अलग था करने का मन वो था ऐसे ही पहले जस्ट वांटेड टू डू दिस ओनली पहले मैंने काम शुरू किया उसके बाद मास्टर्स किया सब है चलो तो लेट्स लीव इट हियर फॉर नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राइट ओके सर थैंक यू सर और नेक्स्ट क्लास में वी माइट स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जो कि नेक्स्ट वीक होगा आई गेस चलिए तब तक यार टेक केयर आदर को सुनते हैं क्या चीज एस्पिरेंट्स नहीं यार एस्पिरेंट्स में देखना चाह रहा हूँ मेरे को अभी टीवीएफ के में मोस्टली सीरीज पसंद आती है तो देख अगर कुछ हो तो बता हैव अ लुक सही लगा ना Yes, sir, awesome. Have a look. It's like, इसलिए मैं आपको प्लान भी पूछा आपको पता चल जाएगा कि मैं प्लान भी क्यों पूछा एक बार देखते हैं फिर करते हैं डिस्कस तो एक बार देख लेता हूँ फिर बात करेंगे उसमें ठीक है Yes, sir. Okay, thank you guys. Take care. Bye-bye.